पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। सिरसा में शनिवार को पुलिस लाइन के माल खाने में आग लग गई। आग कुछ देर में ही भड़क गई और यहां खड़ी 25 से 30 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस की रेड पड़ी। पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक सहित 24 लोगों को अरेस्ट किया है। इन सभी का काम अमेरिका और कनाडा में बैठे लोगों को ठगने का था। कॉल सेंटर संचालक खुद 12वीं पास है और उसके पास फराटेदार अंग्रेजी और अमेरिकन के अलावा कैनेडियन भाषा बोलने वाले लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों की पूरी फौज थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के गांव हिंजरावन कला के बिजली घर में बीती रात बिजली कटों से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर में धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अंदर आए और बिजली कर्मियों से मारपीट के साथ बिजली आपूर्ति ठप कर दी, मशीनरी से भी छेड़छाड़ की। थाना सदर पुलिस विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अभी ग्रामीणों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करनाल पुलिस विभाग की विशेष यूनिट एंटी कैटल लेफ्ट स्टाफ की तरफ से भैंस चोरी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अलग अलग जगहों पर की गई 60 वारदातें कबूल की है। 3 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 2 पहले ही रिमांड पर चल रहे हैं। जिंद के गांव उचाना कला में युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद पड़ोस में रहने वाली महिला ने भी देर रात को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने जहां युवक की हत्या के आरोप लगाए हैं, वहीं मृतक महिला के ससुर ने मृतक युवक पर पुत्र वधू से दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन में लगी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।